DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. हम एसपी साहब से मिलने आए हैं. हमारी शादी हुई थी 14 तारीख को हरीश नाम के लड़के से. हमारे घर के पास ही रहते हैं. एक लड़का है चंद्र का ससुराल जो दाता नगर में रहता है. उसमें शादी के बारे में पता पड़ा तो वो जबरन ही 19 तारीख को रात को करीबन 9:30 बजे आया और मुझे ज़बरदस्ती उठा करके अपने घर पर ले गया. अब उठा करके ले गया फिर बाद में इन्होंने सर पुलिस वाले को फ़ोन करा था. पुलिस आई भी थी, उसे लेकर भी गई थी, पर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की. उसे छोड़ दिया कर दिया और कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. हम बोल रहे हैं 2-3 बार गए भी थे वहाँ पर, लेकिन कहते हैं कभी आ जाना कल आना सर, कोई किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. और जी कौन से थाने में? सिविल लाइन थाने में कराई थी हमने. कब की थी शादी? 14 तारीख को आर्य समाज में की थी हमने. कौन है लड़का? हरीश पालड़िया. आपके दोनों परिवार सहमत हैं? जी हाँ. अब आज एसपी साहब के पास आए हो, कौन लड़का धमकी दे रहा है, क्या है? वो चंद प्रकाश ससुराल है जो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, तेरे ससुराल वालों को भी ख़त्म कर दूंगा मैं. इसी कारण हम ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं. आए दिन धमकी दे जा रहा है वो. ठीक, अपना मेरा नाम वर्षा टाक है. मामला ये है कि 14 तारीख को हमने शादी करी थी आर्य समाज के अंदर. हमारे दोनों घर वाले राजी है और एक लड़का है जो परेशान कर रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यानी कि एक तरफा प्यार है उसका. तो आए दिन परेशान कर रहा है, रोज़ धमकियाँ दे रहा है. अभी भी उसका फ़ोन आया जा रहा है कि तुझे घर से उठा के ले जाऊँगा, तेरे पति को ख़त्म कर दूँगा, यानी कि धमकियाँ दे रहा है फिजूल की. तो दाता नगर का रहने वाला है, चंद्र प्रकाश सुहाड़ नाम है. और 19 तारीख को भी शायद उठा करके लेके गया, शायद कि उठा के ही लेके गया है. फिर उसको हम लेकर के आए वहाँ से छुड़वा के सिविल लाइन थाने, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है. लेकिन सिविल लाइन थाने के अंदर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है. 14 तारीख को. तो हाँ, दोनों सहमत है. हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करना आए कि उसे पाबंद किया जाए, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो. वर्षा टांग से मैंने शादी करी है, हमारे घर के पास ही रहते हैं. आपका नाम क्या है? हरीश.